नमः शिवाय। दोस्तों, वृषभ राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं वृषभ राशि वाले जातकों के लिए साल 2023 में फरवरी का महीना किस प्रकार जाने वाला है, यानी 1 से लेकर 28 फरवरी तक की समयावधि में ग्रहों की चाल के आधार पर वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में किस प्रकार की स्थितियों का निर्माण होने वाला है, किन किन क्षेत्रों में आपको बड़ी उपलब्धि देखने के लिए मिल सकती है और कहां पर आपको सावधानी बनाकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है, इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। तो यह राशिफल वृषभ राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर जरूर देखें। इस राशिफल के दौरान वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए हर पहलू के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं। जैसे वृषभ राशि का करियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और वृषभ राशि वाले जातकों के लिए कुछ खास उपाय। तो राशिफल को हम प्रारंभ करें, लेकिन उससे पूर्व आपको जानकारी दे रहे हैं कि इस महीने ग्रह स्थितियां आपके राशि के ऊपर किस प्रकार रहने वाली है। तो देखिए, फरवरी के महीने में कई प्रकार के परिवर्तन ग्रहों के होने वाले हैं। देखिए, मंगल आपके राशि के लगन भाव पर पूरे महीने गोचर करने वाले हैं। राहु आपके व्यय भाव पर और केतु देव आपके राशि के रोग भाव पर पूरे महीने गोचर करने वाले हैं। आपकी संपूर्ण राशि को नियंत्रित रखने वाले ग्रह शुक्र आपके राशि के दशम भाव पर गोचर करेंगे। उसके पश्चात 15 फरवरी को ये आपके राशि के 11th हाउस में जाकर उच्चस्तर स्थितियों में गोचर करने वाले हैं। शनिदेव पूरे महीने आपके दशम भाव यानी कर्म भाव पर गोचर करेंगे। देवगुरु बृहस्पति पूरे महीने आपके राशि के लाभ भाव पर गोचर करने वाले हैं। वहीं ग्रहों के राजा सूर्यदेव आपके राशि के नवम भाव पर बुध के साथ महीने की शुरुआत में गोचरी स्थितियों में रहने वाले हैं और 12 फरवरी को ये अपना परिवर्तन करेंगे और आपके कर्म भाव पर जाने वाले हैं। तो इस प्रकार की ग्रह स्थितियां वृषभ राशि वाले जातकों आपके राशि के ऊपर बनी हुई रहने वाली है। इसमें मेजर ग्रहों का राशि परिवर्तन बहुत ही कम हो रहा है और माइनर ग्रहों का राशि परिवर्तन काफी ज्यादा हो रहा है। तो भाई, हम आपको बताते हैं कि क्या कुछ खास आपके लिए फरवरी का महीना लेकर आया हुआ है। तो सबसे पहले बात करते हैं कैरियर और व्यावसायिक जीवन के दृष्टिकोण से यह समय आपके लिए कैसा रहने वाला है। तो देखिए, आपके राशि के दशम भाव के स्वामी बनते हैं शनिदेव, जो राशि के दशम भाव में ही पंच महापुरुष योगों में से एक योग सस योग का निर्माण करके पूरे महीने गोचर करने वाले हैं। और आपके राशि के स्वामी भी दशम भाव में ही गोचर करने वाले हैं। तो देखिए, कर्म क्षेत्र के मामले में फरवरी का महीना बहुत ही बेहतर रहने वाला है। सूर्यदेव बुधादित योग का निर्माण करके राशि के भाग्य भाव पर गोचर कर रहे हैं, तो इस महीने भाग्य का भी आपको भरपूर साथ देखने के लिए मिलने वाला है। इस महीने वृषभ राशि वाले जातकों को कर्म क्षेत्र में विशेष प्रदर्शन करने का अवसर देखने के लिए मिलने वाला है। यदि आपके जीवन में पूर्व के समय से लगातार मेहनत करने के बावजूद भी कर्म क्षेत्र में आपको समस्याएं हो रही थी, तो फरवरी के महीने में स्थितियों में सुधार और संभावनाओं में श्रेष्ठता देखने के लिए मिलने वाली है। यदि आप व्यावसायिक जीवन में जुड़े हुए हैं तो योजना बनाकर यदि आप चलते हैं तो बड़ी सफलता आपको देखने के लिए भी मिलने वाली है। 15 तारीख के पश्चात आपकी संपूर्ण राशि को नियंत्रित रखने वाले ग्रह शुक्रदेव जब उच्च के होंगे, तो इस दौरान कर्म क्षेत्र में एक विशेष परिवर्तन आपको देखने के लिए मिलेगा। किसी प्रकार के प्रमोशन की स्थितियों को लेकर यदि आप चल रहे हैं, वो भी संभावनाएं पूरी होती हुई दिखाई देने वाली है। वृषभ राशि वाले जातकों के मन में प्रसन्नता बनी रहेगी और मन में उत्साह काफी ज्यादा बना हुआ इस महीने रहने वाला है, जिसे आप जीवन में नई नई संभावनाओं को प्राप्त करने में सफल रहने वाले हैं।
धन के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, वृषभ राशि वाले जातकों राशि के द्वितीय भाव से धन को देखते हैं। धन भाव के स्वामी बुधदेव 7 तारीख तक आपके राशि के दशम भाव में गोचर करने वाले हैं, सूर्य के साथ गोचर करने वाले हैं। वहीं राशि के लाभ भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति राशि के लाभ भाव में ही गोचर करने वाले हैं। तो देखिए, धन के मामले में वृषभ राशि वाले जातकों के लिए सकारात्मक परिणाम प्राप्त होने की उम्मीद फरवरी के महीने में दिखाई दे रही है। शेयर, सट्टा, लॉटरी जैसे विषयों से भी धन के लाभ की प्रबल संभावना दिखाई दे रही है। पूर्व के समय से यदि आपके जीवन में अनिश्चित या ज्यादा मात्रा में कर्ज बना हुआ था, उसको यदि आप निपटाने का प्रयास करते हैं, उससे आपको निजात देखने के लिए मिलने वाली है। एक से अधिक माध्यम से धन लाभ प्राप्त होने की प्रबल संभावना इस महीने आपको देखने के लिए मिलने वाली है। इस महीने 15 तारीख के उपरांत एक से अधिक माध्यम से लाभ कमाने की योजना आप बनाते हुए भी नजर आ सकते हैं। पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दें, दर्शकों राशि के द्वितीय भाव और राशि के चतुर्थ भाव से पारिवारिक स्थितियों को देखते हैं। फरवरी का महीना पारिवारिक संबंधों के मामले में आपको मिला जुला ही प्रभाव देने वाला है। शनिदेव की चतुर्थ दृष्टि आपके राशि के चतुर्थ भाव पर जा रही है, सप्तम दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर जाने वाली है। देखिए, पारिवारिक जीवन में खुशियों में, सुख सुविधाओं में काफी ज्यादा बढ़ोतरी रहेगी, लेकिन पारिवारिक जीवन में व्यर्थ के वाद विवाद जैसी स्थितियां भी निर्मित होने की संभावना बन रही है। तो यहां पर पारिवारिक संबंधों में आपको श्रेष्ठता बनाए रखने के लिए समन्वय बनाकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। लग्नस्थ मंगल का गोचर हो रहा है, तो क्रोध पूर्वक स्थिति निर्मित करने से आपको बचना चाहिए और किसी भी छोटी मोटी बात को लेकर तनावपूर्वक स्थितियां निर्मित करने से बचना चाहिए। पारिवारिक जीवन में जिम्मेदारी आपके ऊपर काफी ज्यादा बढ़ी हुई रहने वाली है। इस महीने अगर आपकी राशि के लिए शिक्षा के दृष्टिकोण से जानकारी दिया जाए, दर्शकों राशि के पंचम भाव से शिक्षा का विचार करते हैं और राशि के पंचम भाव के स्वामी बुधदेव राशि के नवम भाव पर शुभ स्थितियों में रहने वाले हैं। जो जातक हायर एजुकेशन के फील्ड में जुड़कर अध्ययन कर रहे हैं, उनके लिए समय बहुत ही बेहतर रहने वाला है। मन में एकाग्रता और प्रसन्नता देखने के लिए मिलने वाली है, जिससे विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातक फरवरी के पूरे महीने में अच्छी योजनाओं के साथ अध्ययन करने में सफल रहेंगे। किसी प्रकार की यदि परीक्षा प्रतियोगिता में बैठने की यदि आप योजना बना रहे हैं, पूर्णरूपण मनोबल के साथ यदि आप प्रदर्शन करते हैं, तो परिणाम आपके पक्ष में आने की भी संभावना दिखाई दे रही है। इस महीने अगर आपके राशि के लिए वैवाहिक जीवन के मामले में जानकारी दिया जाए, देखिए पूरे महीने शनिदेव की दशम दृष्टि आपके राशि के वैवाहिक भाव पर पड़ रही है और लग्न पर मंगल मौजूद होकर अपने सप्तम दृष्टि से आपकी राशि के वैवाहिक भाव को देख रहे हैं, तो यह पूर्ण रूपण कहा जा सकता है कि वैवाहिक जीवन के मामले में आपको संभल कर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में वैवाहिक संबंधों में नकारात्मकता देखने के लिए मिल सकती है, यानी आप अपने पार्टनर के साथ असंतुष्ट महसूस कर सकते हैं, बीच बीच में वाद विवाद और भ्रम जैसी स्थितियां निर्मित हो सकती है, तो समझदारी पूर्वक रिश्ते को निभाने की आवश्यकता रहने वाली है। किसी छोटी मोटी बात को लेकर व्यर्थ का वाद विवाद जैसी स्थिति निर्मित करने से आपको बचना चाहिए। रिश्तों में संयम बरतने की आवश्यकता रहने वाली है। गलतफहमी झगड़े का रूप लेगी, इसलिए गलतफहमी से आपको बचना चाहिए और वैवाहिक संबंधों में प्यार से आपको चलने की आवश्यकता रहने वाली है। संतान की प्रगति और संतान की उन्नति होने की विशेष संभावना दिखाई दे रही है और वृषभ राशि वाले जातकों को इस महीने संतान का सुख भी काफी ज्यादा मिलने वाला है। अब वृषभ राशि वाले जातकों के लिए यदि सेहत के मामले में जानकारी दिया जाए, राशि के छठे भाव से रोग ऋण और शत्रु पक्ष का विचार करते हैं। आपके राशि के स्वामी शुक्रदेव
दशम भाव पर शुभ स्थितियों में मौजूद हैं। वृषभ राशि वाले जातकों, राहु देव आपकी राशि के द्वादश भाव पर गोचर कर रहे हैं। सेहत के मामले में आपको संभल कर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। खास तौर से खान पान की आदत पर आपको ज्यादा ध्यान देकर चलना चाहिए। मेडिटेशन करना, नियमित व्यायाम करना आपके लिए काफी बेहतर रहने वाला है। और वृषभ राशि वाले जातकों को किसी प्रकार का क्रोध पूर्वक स्थिति अपने मन में लेकर नहीं चलना चाहिए, या भूतकाल की बातों को लेकर अपने मन में व्यर्थ का तनाव निर्मित करने से भी बचने की आवश्यकता रहने वाली है। यह स्थिति आपके शारीरिक जीवन में काफी ज्यादा प्रभाव डाल सकती है, इसलिए किसी प्रकार का मानसिक तनाव लेने से यदि आप बचते हैं तो सेहत के मामले में आपको श्रेष्ठता और सकारात्मकता देखने के लिए मिलने वाली है। धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए तो सबसे पहले तो वृषभ राशि वाले जातकों को दो तीन खास बातों का इस दौरान ध्यान देकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। जीवन में व्यर्थ के कार्यों में और व्यर्थ की बातों में आपको उलझने से बचना चाहिए। यदि आप संभावनाओं को श्रेष्ठ और बेहतर चाहते हैं तो इस दौरान 90 तुले शब्दों का भी प्रयोग करके चलने की आवश्यकता रहने वाली है। खुली बोली होने की वजह से वृषभ राशि के जातक बिना जांचे परखे खुलकर भावनाओं को व्यक्त कर देते हैं, जिससे सामने वाले व्यक्ति को ये बातें खराब लगती है। इससे आपके जीवन में विवाद निर्मित होते हैं, इसलिए वाणी पर आपको सोच विचार कर शब्दों का प्रयोग करके चलने की आवश्यकता रहने वाली है। इस समयावधि में वृषभ राशि वाले जातकों को किसी प्रकार का शराब, धूम्रपान, मांसाहार, इन सभी चीजों से भी आपको बचना चाहिए। अधिकतर लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं, तनाव की वजह से नशे का सहारा लेने लगते हैं, तो नशे जैसी चीजों से आपको दूरी बनाना चाहिए। यह आपके सोचने विचारने की क्षमता पर प्रभाव डालता है और मन में नकारात्मकता निर्मित करता है, तो इन सभी चीजों से आपको बचना चाहिए। अब यदि आपके लिए धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए तो नियमित हनुमान चालीसा का पाठ करना आपके लिए बेहतर है। उसके साथ साथ मंगलवार और शनिवार के दिन सुंदरकांड का पाठ करना आपके लिए बेहतर रहने वाला है। घर में यदि किसी सदस्य का जन्मदिवस मनाया जा रहा है तो आपको वृक्षारोपण करना बेहतर रहने वाला है। फलदार वृक्ष आप जरूर लगाएं। बेजुबान जानवरों के प्रति दया का भाव जरूर रखें। यथा उचित दाने चारे का प्रबंध आप जीवन में जरूर करते रहें। वहीं वृषभ राशि वाले जातकों, यदि आप नियमित सूर्य नमस्कार करते हैं तो भी आपके जीवन में स्थितियां काफी बेहतर रहने वाली है। उम्मीद यह जानकारी वृषभ राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। मिलते हैं एक नए वीडियो में। ओम नमः शिवाय।